संचय एनालिसिस करेंगे हम कल के लिए, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल क्या संभावनाएं रह सकती हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल है हेजिंग स्ट्रेटजीज, टेलीग्राम चैनल है हेजिंग स्ट्रेटजीज, ब्लॉग है www.blogspot.com, फेसबुक पेज है हेजिंग स्ट्रेटजी बाय विनोदारी, ट्विटर हैंडल है बाय हेजिंग, व्हाट्सएप नंबर है 9699646408। चलिए सबसे पहले चार्ट की तरफ चलते हैं, निफ्टी के चार्ट में हम आ जाते हैं। ये देखिए सुबह एक बाय सिग्नल हमें दिया था निफ्टी ने और उसने अपना काम करके दिया। ये देखिए सुबह बाय सिग्नल दिख रहा है आपको, इसने काम करके दिया, उसके बाद सेल सिग्नल मिला, उसने भी अपना काम करके दिया, तो दोनों ट्रेड हमारे काम कर गए। मैंने आपको हैमर करके टेलीग्राम चैनल में भेजा भी था कि बाजार खराब है, शॉर्ट करना चाहिए जब ऊपर ओपन हुआ था। तो डेली चार्ट पे भी हमने देखना पड़ेगा निफ्टी। ये तो हो गया 15 मिनट का चार्ट, डेली चार्ट पे एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी क्या दिखा रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारा ब्लॉग है www.blogspot.com, इसमें यहाँ जाके आपको काफ़ी कुछ स्टडी करने के मिलेंगे, कुछ लेटेस्ट न्यूज़ मिलेंगी जिनका बेनिफिट्स ले सकते हैं अपने ट्रेड्स के लिए। ओके, तो ये ब्लॉग को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली चार्ट एक बार देख लेते हैं, देखिए थोड़ा सा हैंग हो रहा है डेली चार्ट में, हम डायरेक्ट ऑप्शन चेन में चलते हैं। ये ऑप्शन चेन है, इसे मैं ले लेता हूँ पेंट में, थोड़ा समझने के लिए इजी रहेगा। पेंट में मैंने ले लिया है, एट द मनी के पास में चलते हैं। जैसे आज 11,131 पे क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने, 11,131 मीन्स हम आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कॉल राइटिंग है, ये सब कॉल राइटिंग है नीचे की तरफ। 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट इधर है, 2,70,000 इधर, ये है 11,000 का लेवल। ओके, थोड़ा और ऊपर देखेंगे, देखिए यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, 7,16,000। थोड़ी सी तबीयत खराब है तो थोड़ा इग्नोर करिएगा, 7,16,000 यहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 1,83,000 का यहाँ पर राइटिंग है 11,200 में, 400 में बहुत बड़ा राइटिंग है, 300 में बहुत बड़ा राइटिंग है। ओके, नीचे और देख लेते हैं कहाँ तक बनी है पोजीशन, ये है 10,800। ओके, पुट साइड देख लेते हैं एक बार, पुट साइड क्या सिचुएशन है। ये आ गए हम पुट साइड, इधर देख लेते हैं 11,000। देखिए यहाँ पे पुट राइटिंग है, यहाँ पर ना पुट राइटिंग है, ये पुट राइटिंग है यहाँ पर 11,000 में भी पुट राइटिंग है। ओके, देखिए सपोर्ट 11,000 का सपोर्ट लेगा बाजार, अभी 17 लाख का ऊपर इंटरेस्ट है यहाँ पर, 5 लाख, 7 लाख, 4 लाख ऊपर में, इधर 10 लाख, 10 लाख है 11,200 में। ओके, 11,200 में 10 लाख हो गया, ये हो गया 11,900, 11,800, 11,700। ओके, देखिए अभी के लिए फिलहाल आप ये समझिए 11,132 पे क्लोजिंग दिया है, तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, 11,132 में क्लोजिंग दिया है, अब हमें क्या ध्यान देना है यहाँ से कि ये 11,000 के नीचे क्लोजिंग आना चाहिए, एक बार हमारे को 11,000 के नीचे क्लोजिंग आना चाहिए। अगर 11,000 के नीचे क्लोजिंग आता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि बाजार 10,777 जो मेरा लेवल है, जो मेरा मुझे लगता है यहाँ तक जा सकता है। 11,000 के नीचे क्या चाहिए हमें, क्लोजिंग चाहिए, एक दिन भी क्लोजिंग दिया तो भी काम हो जाएगा हमारा। बाजार खराब ही दिख रहा है, कॉल साइड का डेटा खराब है, पुट साइड का डेटा कोई इतना अच्छा नहीं है, पुट साइड का डेटा तो हम, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं शॉर्ट करके काम करना पसंद करूँगा, शॉर्ट करने के बाद मैं इसके साथ इसे हैच कर लूँगा, शॉर्ट को हैच कर लूँगा, बस ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हम काम करना पसंद करेंगे। और अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस काफ़ी ऊपर का स्टॉप लॉस है 11,407, ये SL मेरे को लगता है। ओके, लेकिन SL मैं लगाता नहीं हूँ, मैं हेजिंग करता हूँ, आप लोग जानते ही हैं कि मेरे को हेजिंग करना सही लगता है। अगर मेरे को टारगेट डिसाइड, देखो आज मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, कल को मेरा टारगेट अचीव होगा, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर मैं हेजिंग करता हूँ, आज मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो
तो नेक्स्ट डे अगर मेरा टारगेट अचीव होता है तो भी मैं प्रॉफिट करके निकल जाता हूँ, तो इसलिए हेजिंग का ये एक बेनिफिट रहता है। ओके देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और शेयर्स कर देना जो भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं, जो भी सर्कल है उसमें शेयर्स कर देना, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर लेना जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। ओके थैंक यू।